पाक अलम की बारगाह में हाजिर के एक शख्स ने कहा था हजूर दिल बड़ा डाढ़ा हो गया और सहाबा मासूस करते थे इस बीमारी को समझते थे दिल सख्त हो गया क्या करूं फिर मैं कोई यतीम मिले तो उसके सर पे हाथ फेरा कर अल्लाह तेरे दिल को नर्मिया ताफरमाएगा यतीमों के सरों पर हाथ रखा कर कल्ब नर्म होगा दिल नर्म हो देखिए अल्लाह ताला ने हुजूर को हौसले का पहाड़ बनाया नबी पाक सलाम फरमाते हैं सबसे ज्यादा मुश्किल मुझ पर आई लेकिन जो रिक्कत थी ना हुजूर की तबीयत में जो नरमी थी वो इतनी अनोखी थी हजरत जैद बिन हारसा रदी अल्लाह शहीद हो गए जंगे मोता में नबी सलाम उनके घर आए हुजूर सब्र का दर्श देने वाले पाँच सौ के करीब कमो बेश अदीसो आसार आपको मिलेंगे सबर के अनवान पर सौ के लगभग आयात मिलेंगे हुजूर सबर का दर्श देने वाले लेकिन करीम उनके घर गए उनकी बेटी सरकार के सामने हाज़िर हुई तो बेटी बाप की याद में रो पड़ी हज़रत साहब बिन उबादा कहते हैं मैं भी हाज़िर था बेटी रोई तो हुजूर भी रो पड़े मैंने अर्ज़ की हुजूर आप भी रोते हैं ये आंसू आपके भी निकल आए तो हुजूर फरमाने लगे ये एक मोहब्बत करने वाले का एक मोहब्बत करने वाले के लिए इजहार मोहब्बत है ये जो आंसुओं का निकल आना ये जो दिल का न बल्कि हजरत साद इब्ने उबादा एक दफ़ा बीमार हो गए थे तो नबी करीम उनको बीमारी में देखने गए तो उनको बीमार देख के हुजूर रो पड़े यार ये हालत हो गई है इसकी ये नरम दिली नबी करीम की रिकत कलबी हुजूर के कलब अतःर पर जो नरमी है सख्त ना हो डाडी जिंदगी ना गुजारो कुफार काफिर के लिए सख्त होंगे हमाऊ बई ना होंगे आपस में तो मेहरबान रह के वक्त गुजारना अपने अपने दिल से पूछो बड़े टेस्ट कराते हो बड़ी इको कराते हो और बड़े कुछ कराते फिरते हो कभी कभी ये भी देखा करो डाढ़ा कितना हो गया है माफ क्यों नहीं करता इसे प्यार क्यों नहीं आता इसे रोना क्यों नहीं आता इसमें दर्द क्यों नहीं पैदा होता ये भी थोड़ा सा देखा करो कि इसका मैार इस हवाले से इतना सख्त क्यों हो गया है इसमें नरमी नहीं आती किसी के लिए तड़पता ही नहीं वो भी कोई दिल है कि दिल हो और तड़प ही ना हो अपनी तबीयत पर गौर करें मिजाजन सख्त ना बने तलख ना बने किसी के बारे में भी सोचें किसी और का भी एहसास करें किसी और के बारे में भी गौर करें आपका दिल किसी के लिए भी धड़कना चाहिए अपनी जत से शुरू होके और अपनी ही जात पर चीजों को खत्म कर लेना ये क्या दानश